सो गाइज फाइनली से ऑफिशियली इंडिया में IQ7 को ट्रीज कर दिया गया गगन अरोरा के तरफ से, जो कि इंडिया के IQ के हेड हैं। तो गाइज रिसेंटली गगन अरोरा ने अपने ट्विटर हैंडल पे कुछ नंबर लिख के पोस्ट किया था, 2.64 इसी टाइप्स के कुछ नंबर लिख के उन्होंने पोस्ट किया था। दरअसल ये नंबर गाइज 7 का रूट है। तो गाइज इससे तो ये कंफर्म हो गया कि बहुत ही जल्द हम लोग को इंडिया में IQ7 देखने को मिलेगी। एंड ऑफकोर्स गाइज ये एक फ्लैगशिप फ़ोन होने वाली है। तो गाइज वीडियो में एंड तक बने रहें, हम आगे आज बात करने वाले हैं इसी फ़ोन की स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइसिंग के बारे में। तो गाइज इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। तो गाइज चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। हेलो गाइज, मेरा नाम आयुष है, मैं आपका स्वागत करता हूँ मिस्टर 18 गैजेट्स पे। सो गाइज अगर बात करें इस फोन की स्पेसिफिकेशन की, तो गाइज इसमें आपको 6.62 इंचेज की फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जो कि गाइज एमोलेड स्क्रीन होने वाली है। इस स्क्रीन में आपको एक छोटा सा पंच होल देखने को मिलेगी ऊपर साइड में। एंड गाइज अगर बात करें इस फोन की स्क्रीन रेशियो की, तो 20:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आपको देखने को मिलेगी। अगर जहाँ आगे बात करें इस फोन की रिफ्रेश रेट की, तो 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ ही आपको स्क्रीन देखने को मिलेगी। एंड गाइज नेक्स्ट अगर बात करें गाइज इस फ़ोन की SoC चिपसेट की, तो गाइज इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 देखने को मिल रही है, अप टू 12GB LPDDR5 रैम देखने को मिल सकता है। एंड गाइज 256GB रोम UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी ये डिवाइस। अगर आप बात करें यहाँ पे इस फ़ोन की OS की, तो Android 11 पे बेस्ड IQ UI कस्टम स्क्रीन देखने को मिलेगी इस फ़ोन में आपको। एंड गाइज इस फ़ोन में आपको इनबिल्ट फिंगरप्रिंट देखने को मिलेगी स्क्रीन में। तो गाइज अब बारी आती है इस फ़ोन की स्पेशल एबिलिटी के बारे में जानने की। तो गाइज इस फ़ोन में आपको 120W का सुपर फास्ट चार्जर देखने को मिल गया, साथ ही 4000mAh की बैटरी भी। तो गाइज आप समझ सकते हो खुद ही कि 120W सुपर फास्ट चार्जिंग की अभी के करंट टाइम में क्या इंपॉर्टेंस है। तो गाइज इस चार्जर से आप 0 to 100% चार्ज आप 10 से 20 मिनट में कर सकते हो। तो गाइज ऑल ओवर तो चार्जिंग गाइज इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग दिया गया है। तो नेक्स्ट अगर बात करें इस फोन की कैमरे की, तो इसमें आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको 48MP का मेन कैमरा देखने को मिलेगा और रेस्ट दो कैमरा है जो वो आपको 13MP का देखने को मिलेगी। और साथ ही अगर बात करें इस फोन की फ्रंट कैमरे की, तो इसमें आपको 16MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगी, साथ ही वाईफाई 6 4G LTE डबल सिम सपोर्ट जैसे कनेक्टिविटी भी आपको इस फ़ोन में देखने को मिलेगी। एंड गाइज अगर बात करें इस फ़ोन की वेट की, तो ये आपको 209 ग्राम की फ़ोन होती है। तो गाइज वेट करें इस फ़ोन की वेट की, तो ये गाइज डिसेंट वेट है। गाइज गेमिंग के लिए अच्छी है, कोई ख़राब नहीं है, डिसेंट है गाइज। तो गाइज अब लास्टली अगर बात करें इस फ़ोन की प्राइसिंग की, तो इसमें आपको दो वेरियंट है, जो कि फर्स्ट वेरियंट है गाइज एक 8GB 128GB एंड सेकेंड गाइज 12GB 256GB। जो गाइज फर्स्ट वेरिएंट है 8GB 128GB, वो गाइज अप्रोक्स से आपको 42,000 to 43,000 में मिल जाएगा। एंड सेकेंड वन गाइज जो कि गाइज 12GB 256GB है, तो वो गाइज अप्रोक्स से आपको 47,000 to 48,000 में मिल जाएगी। तो गाइज ये सब प्राइस मैं आपको चाइना के अकॉर्डिंग से, चाइना के करेंसी से इंडियन करेंसी में चेंज करके बताया हूँ। तो गाइज अब देखते हैं कि आने के बाद क्या कुछ और स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलती है हमें इस फ़ोन में, क्या कुछ नया या कुछ अलग देखने को मिलेगी इंडियन वेरिएंट में। तो गाइज वो आने के बाद ही पता चलेगा। तो गाइज वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताऊंगा। तो गाइज अगर इस चैनल पे आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना। तो गाइज फिर मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।